विद्यार्थियों, आज हम BSTC 2018 का एक पेपर है जिसको व्याख्या समेत हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है, हेला ख्याल दंगल राजस्थान के किस जिले में प्रसिद्ध है? ठीक है, तो ये जो हेला ख्याल है वह दौसा जिले का प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ पर हमारे किसान भाइयों द्वारा एक खास तरह का नृत्य किया जाता है। ठीक है, उसमें ढोल वगैरह सब बजाए जाते हैं, है ना, और बहुत ही विश्व प्रसिद्ध नृत्य है, दंगल है ये। ठीक है, एक तरह से कॉम्पिटिशन होता है और लगभग ये 72 घंटे तक चलता है। दूसरा प्रश्न है, पिछवाई कला संबंधित है। ठीक है, तो पिछवाई जो कला है वह श्री कृष्ण से संबंधित है। ठीक है, तो हमारे जो राजस्थान में नाथद्वारा नामक स्थान है वहाँ पर श्री कृष्ण का बहुत बड़ा मंदिर है और वहाँ पर जो चित्रकारी की जाती है। ठीक है, तो वहाँ पर जो कृष्ण की मूर्ति है उसके पीछे के भाग को बड़ा अच्छी तरह से सजाया जाता है। ठीक है, तो मूर्ति के पीछे चूंकि बैकग्राउंड पर विशेष ध्यान दिया जाता है इसलिए इसको पिछवाई कहते हैं ना, तो ये जो कला है वह संबंधित है श्री कृष्ण से। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम घनत्व वाले जिले हैं। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि पहला तो कौन सा है, जैसलमेर है। ठीक है, जैसलमेर तो है ही, लेकिन जैसलमेर के साथ कौन सा है ये मेन। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जैसलमेर में है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे है तो वो कौन सा है, बीकानेर। ठीक है, तो इसका उत्तर वास्तविक उत्तर होगा सी। अगला हमारा प्रश्न है, राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया। ठीक है, तो इसमें ये 1, 2, 3, 4 ऑप्शन है, इसका सही उत्तर है, प्यारे छात्रों, यहाँ पर पवन ऊर्जा संयंत्र है ना, तो पवन ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण सोर्स है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत अपने जैसलमेर में हुई है, लेकिन जैसलमेर के अमर सागर में 1999 हुई है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बारी आभूषण पहना जाता है। ठीक है, तो इसके 4 ऑप्शन है, गले में, नाक में, कानों में या कलाई में। तो विद्यार्थियों, बारी जो आभूषण है वह नाक में पहना जाता है। ठीक है, अपना अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप का राज तिलक कहाँ पर हुआ था? ठीक है, ए चावन में, गोगुंदा में, उदयपुर में, डी कुंभ। महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह की मृत्यु के बाद, ठीक है, तो इनका जो राणा प्रताप का जो राज तिलक था, ठीक है, वह कहाँ हुआ था, गोगुंदा में हुआ था। इसका बी आंसर राइट है। अगला प्रश्न है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे रतन सिंह ने अपने दरबार से निकाल दिया जाता था, बाद में वह अलाउद्दीन खिलजी की शरण में चला गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें वास्तव में इसका उत्तर है डी चेतन राघव, है ना। तो चेतन राघव को एक तांत्रिक था, उसको रतन सिंह ने अपने दरबार से निकाल दिया और वह अलाउद्दीन खिलजी की शरण में चला गया और वहां पर उसने अलाउद्दीन खिलजी को रतन सिंह के खिलाफ भड़काया। ठीक है, और रानी पद्मिनी की खूबसूरती के बारे में बताया, जिससे अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर दिया, मेवाड़ पर आक्रमण किया। अगला प्रश्न है, राजस्थान में भूमध्य क्षेत्र से संबंधित है, तो उदयपुर से है, बांसवाड़ा से है, भीलवाड़ा से है, अलवर से है। प्यारे विद्यार्थी, इसका वास्तविक उत्तर है ए उदयपुर। ठीक है, तो उदयपुर की जो पहाड़ियां हैं ना, पहाड़ियों के पूरे क्षेत्र को भूमध्य कहते हैं ना, तो इस क्षेत्र में, इस पहाड़ी वाले क्षेत्र में भील जो जनजाति है, आदिवासी जनजाति है, वह उसका निवास ज्यादा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर है मोहनलाल सुखाड़िया, जो कि 4 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, और हरिदेव जोशी, जो जिन्होंने 3 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अगला प्रश्न है, डेगाना क्षेत्र राजस्थान के किस खनिज के लिए जाना जाता है ना, तो जो डेगाना है ना, तो वह टंगस्टन के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? ठीक है, तो भोगीलाल पंड्या, गोकुल भाई भट्ट, दामोदर व्यास, जानकी लाल। राजस्थान के जो गांधी के नाम से प्रसिद्ध है, गोकुल भाई भट्ट, है ना, तो उनको राजस्थान का गांधी कहा जाता है। भोगीलाल पंड्या, जिन्हें वागड़ क्षेत्र का गांधी कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है, राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है जयपुर। तो राजस्थान का जो पक्षी चिकित्सालय पहला, वह कहाँ स्थापित किया गया था, जयपुर में स्थापित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, लाल बाग क्या है, चिड़िया का नाम है, किसानों पर आरोपित कर है, मानसिंह के हाथी का नाम है, तोप का नाम है। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, लाल बाग एक प्रकार का कर था। ठीक है, जो किसानों से लिया जाता था जागीरदारों के द्वारा। अगला प्रश्न है, राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया। ठीक है, तो कब आया वर्तमान स्वरूप में, वास्तव में 1 नवंबर 1956 को, तो ए राइट होगा इसका, 1956। प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है,
शब्द राजस्थान का पहली बार प्रयोग निम्न इतिहासकारों द्वारा किया गया, ठीक है। तो हमारे राज्य का नाम क्या है? राजस्थान, ठीक है। तो राजस्थान शब्द किसने सुझाया था? ठीक है, तो कर्नल टॉड है ना, कर्नल टॉड थे जिन्होंने अपनी पुस्तक एनाल्स एंड इक्विटीज ऑफ राजस्थान में राजस्थान शब्द का या राजस्थान शब्द का पहली बार उन्होंने जिक्र किया था। अगला प्रश्न है, कालीबंगा जो एक ऐतिहासिक स्थान है वह राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित यहाँ पे अवशेष मिले हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर इस प्रश्न के हिसाब से देखा जाए तो इसका उत्तर आएगा गंगानगर, ठीक है। लेकिन प्यारे छात्रों वास्तव में देखा जाए तो यह अभी वर्तमान कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न है, ताम्र संस्कृति के चिन्ह किस जिले में उपलब्ध है? है ना, ताम्र है ना, तो कॉपर से संबंधित। तो इसका उत्तर होगा जैसे उदयपुर है तो उदयपुर में आहड़ नामक स्थान है, ठीक है, तो वहां पर हमें ताम्र संस्कृति के अवशेष यहाँ पर उपलब्ध हुए हैं, तो इसका उत्तर होगा उदयपुर। अगला प्रश्न है, सिरवी जाति है ना, खेती से जुड़ी है, ये अधिकांश किस जिले में पाई जाती है? तो एक विशेष जाति है जिस सिरवी है ना, तो यह किस जिले से जुड़ी हुई? तो प्यारे विद्यार्थियों, सिरवी किसी जमाने में एक क्षत्रिय जाति थी, ठीक है। फिर कालांतर में यह इन्होंने कृषि का व्यवसाय चुना और ये मारवाड़ में बस गए, है ना। तो यहाँ पर चार ऑप्शन के हिसाब से जोधपुर आएगा, ठीक है। वैसे ये जालौर में भी हैं, सिरोही में भी हैं, है ना, और क्या कहते हैं, निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़ आसपास भी ये लोग पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के शिशुदेव को निम्न माना जाता है, ठीक है। तो वंश है ना, कोई राजा है अपने आप को चंद्रवंशी कहता है, कोई अग्निवंशी कहता है, तो जो मेवाड़ के जो महाराणा है अपने आप को क्या बोलते हैं? सूर्यवंशी, ठीक है। तो इनका जो राज चिन्ह है वहां पर भी सूर्य का निशान है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की पहली औपचारिक व्याकरण लिखी गई निम्न के द्वारा, ठीक है। तो चार यहाँ पर है, जयसीमा, सिद्ध राजा द्वारा, घोष द्वारा, उद्योतन सूरी द्वारा या हेमचंद्र। अगला प्रश्न है, प्यारे विद्यार्थियों, संगीत के जयपुर घराने के प्रसिद्ध संगीतकार कौन जाने जाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि जयपुर का जो संगीत घराना है वह पूरे भारत में प्रसिद्ध है, बनारस का घराना, इस तरह से बहुत सारे संगीत के क्या घराने हैं ना, अलग अलग शैली के हिसाब से अलग अलग ही घराने माने जाते हैं, और इसका वास्तविक उत्तर है मल्लिकार्जुन मंसूर, ठीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की फड़ चित्रकारी चित्रकला के किस स्कूल से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो एक फड़ चित्रकारी खास तरह की एक चित्रकारी होती है ना विद्यार्थियों, वैसे ये फड़ चित्रकारी है वह भीलवाड़ा की विशेषता है ना, तो भीलवाड़ा तो यहाँ पे ऑप्शन दे नहीं रखा है, इसलिए भीलवाड़ा का संबंध क्या है? मेवाड़ से, इसलिए वास्तविक इसका उत्तर आएगा मेवाड़। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों, कालबेलिया नृत्य राजस्थान के किस जिले में से है, ठीक है। तो जैसे ये कालबेलिया जनजाति है, ठीक है, इनका संबंध वैसे तो राजस्थान में जैसलमेर वगैरह सब जगह से है, ठीक है, और सर्वाधिक ये पाली में निवासरत है। तो इन चार ऑप्शन जोधपुर, उदयपुर, अलवर और जैसलमेर, इसमें वास्तविक सही उत्तर होगा इसका जो कालबेलिया नृत्य है वह, जो कालबेलिया जनजाति है वह मेनली तो क्या है, सपेरा जनजाति है, ठीक है। लेकिन ये नृत्य का भी बड़ा शौक रखते हैं और प्राचीन समय में नृत्य कमाकर नृत्य करके यह अपनी आजीविका चलाते थे, ठीक है। तो इसका जो उत्तर आएगा है ना वह उदयपुर राइट होगा। अगला प्रश्न है, बगरू की छपाई राजस्थान के किस हिस्से से है ना, तो बगरू की छपाई राजस्थान के किस हिस्से से, तो इस बगरू छपाई वाला आंसर होगा जयपुर, है ना, जयपुर में सांगानेर करके स्थान है, वहाँ पर एक बगरू गांव है, तो वहाँ की जो छपाई है वह बड़ी प्रसिद्ध है ना। अगला प्रश्न है, बाला किला कहाँ स्थित है, ठीक है। तो जो बाला किला है वह अलवर में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सबसे लंबे समय तक किसने मुख्यमंत्री पद का कार्य किया, तो इसका सही उत्तर है मोहनलाल सुखाड़िया ना, जिन्हें आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी कहा जाता है, और यह लगभग राजस्थान में 17 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे थे। अगला प्रश्न है, दौलतराम सारण को राजस्थान में संबोधित किया जाता है यह कहकर, ठीक है, तो महात्मा, किसानों का मसीहा, बाबूजी या राजा है ना, तो दौलतराम सारण है ना वो, उन्होंने किसानों के लिए बहुत सारे काम किए, इसलिए राजस्थान में इनको किसानों का मसीहा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान विकास पार्टी की स्थापना की थी, ठीक है, तो एक नेता थे जिनका नाम था बूटा सिंह है ना, तो पहले ये कांग्रेस में थे लेकिन कांग्रेस से बाद में हट गए और फिर उन्होंने स्वतंत्र दल की स्थापना की थी, राजस्थान विकास पार्टी, ठीक है, जो कि ज़्यादा सफल हुआ नहीं।
अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, लूणी नदी का उद्गम स्थान निम्न जिले में से आता है। ठीक है, तो ए नागौर, बी अजमेर, सी टोंक, डी चुरू। ठीक है, तो इसका जो लूणी नदी का उद्गम स्थल है वह अजमेर है। अजमेर की नागपौराड़ी से लूणी नदी निकलती है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध चांद बावड़ी स्थित है निम्न जिले हैं। ठीक है, तो जो दौसा की जो चांद बावड़ी है ना, वो स्थापत्य कला के हिसाब से है ना, वैज्ञानिक तकनीक के हिसाब से भी देखें तो ये बावड़ी बड़ी कमाल की है ना। यहाँ पर गर्मियों में ठंडी ठंडी हवा मिलती है, ठीक है, और पानी भी इसका स्वच्छ रहता है। अगला प्रश्न है राजस्थान के किस शहर को नीला शहर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जो हमारे जोधपुर शहर है, ठीक है, वहाँ पर इस शहर को ब्लू सिटी या नीले शहर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो अधिकांश घर हैं उनमें सफ़ेदी की जाती है, और सफ़ेदी के साथ साथ क्या है कि नील मिलाया जाता है। ठीक है, तो अधिकांश घरों में एक जैसा रंग होने की वजह से अगर ऊपर से हम देखें है ना, दूर से हमें देखें तो ये नीला शहर दिखाई देता है। अगला प्रश्न है गार्डन बड़ा बाग स्थित हैं जैसलमेर, भीलवाड़ा, झालावाड़, हनुमानगढ़। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो गार्डन बड़ा बाग है वह जैसलमेर में स्थित है ना, जो जैसलमेर के जो शाही परिवार है ना, उनकी जो स्मारक है ना, मृत्यु के बाद जो क्षत्रिय वज्रिया स्मारक, ये सब बड़ी पैमाने पर यहाँ पर स्थित है। विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है विजय सिंह पथिक राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी, इन्होंने एक समाचार पत्र निकाला जो इस नाम से जाना जाता था है ना। तो विजय सिंह पथिक, जिनका वास्तविक नाम भूप सिंह था, और ये बड़े ही जुझारू क्रांतिकारी थे अपने समय के है ना, और इन्होंने राजस्थान की जो समस्याएं हैं वह उसको उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए वर्धा से राजस्थान केसरी नामक एक समाचार पत्र निकाला था। ठीक है, और यहाँ पर जो लगान में लगान वसूलने के दौरान जो क्या कहते हैं किसानों के साथ अत्याचार किया जाता है, उसके बारे में उन्होंने दुनिया को बताया था इसमें राजस्थान केसरी के माध्यम से। अगला प्रश्न है हबीब तनवीर की फिल्म चरणदास चोर राजस्थान के किस लेखक द्वारा लिखी गई है ना। तो राजस्थान के जो लेखक हैं विजय राम देथा है ना, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी चरणदास चोर है ना। तो इस हबीब तनवीर ने इस पर एक फिल्म बनाई थी जो कि बड़ी प्रसिद्ध हुई, और मैंने भी देखी, और बड़ी ही सुंदर और खूबसूरत फिल्म है ये। इसके अलावा विजय राम देथा की कहानी पर शाहरुख खान अभिनीत फिल्म पहेली भी बनी थी। अगला प्रश्न है राजस्थान में निम्न में से किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ये आज के समय में ये है नहीं, इसको छोड़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। ठीक है, तो जो राजस्थान में मानवाधिकार आयोग बना है ना, उसकी पहली महिला अध्यक्ष थी श्रीमती कांता कुमारी भटनागर है ना। अगला प्रश्न है राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव है ना, तो चीफ सेक्रेटरी है ना, मुख्यमंत्री, जो हमारे मुख्यमंत्री मतलब राजस्थान में अगर कर्मचारी के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत बड़ा पद होता है। ठीक है, और उसमें प्रथम महिला मुख्य सचिव रहने का अगर किसी को गौरव प्राप्त है तो उनका नाम है श्रीमती कुशल सिंह। ठीक है, अगला प्रश्न है उत्तरी अरावली क्षेत्र में राजस्थान में निम्न जिला सम्मिलित है। ठीक है, उत्तरी में देखे तो जयपुर, जयपुर से आगे दौसा है, तो इसका वास्तविक उत्तर होगा दौसा। ठीक है, अगला प्रश्न है पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ भारत में राजस्थान के नागौर में किस वर्ष में हुआ। तो प्यारे विद्यार्थी देखो, भारत में जैसे वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था बड़ी प्रसिद्ध है, इससे गाँव में काम करने की एक शक्ति प्राप्त हुई है। हमारे सरपंच है, पंच है, उप सरपंच है, ये पद क्या हो गए, शक्तिशाली हुए हैं। ठीक है, तो इसकी जो पंचायती राज है ना, सत्ता के विकेंद्रीकरण की शुरुआत हमारे राजस्थान में नागौर से हुई 1959 में। अगला प्रश्न है मीणा समुदाय का परंपरागत नेता इस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो उसको पटेल कहते हैं, क्या कहते हैं, पटेल। ठीक है, तो विद्यार्थी आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मैं कुछ और प्रश्न आपके लिए लेके आऊंगा। धन्यवाद।